सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ये इंटर्नशिप होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी आपको पांच हजार का स्टाइफेंड भी मिलेगा राइट right. तो जितनी भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अगर करते हैं तो हम ऐसे नॉर्मल इंटर्नशिप्स करते हैं कैन बी काइंड ऑफ बैक बोन ऑफ आर फैमिली परसपैक्टिव से देख रही हूँ अगर मैंने सुबह ये चीज देखी भी थी और स्टॉक मार्केटिंग में भी अगर मैं वो देखू तो उसका hmm. भी काफी अच्छा बेनिफिट आया एज बी ऑप्टिमिस्टिक वे तो मुझे वो चीजें काफी फैसिलट करें तीन लाख करोड़ रुपए अलग से महिलाओं है आई थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव है च वॉज़ वेरी मच नीडिड तो ये हुआ है तो इट्स रेली गुड एंड आई थिंक इससे बहुत इनक्रेजमेंट मिलेगा प्लस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेडीज़ को एलोकेट किया गया है उनके उनको स्केल करने के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है या वो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड मूव तो थम्स अप फॉर दैट बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है वो सोना आई थिंक थम्स डाउन फॉर दैट लेकिन तो कह रहे हैं कि सोना भी दा सस्ता हो होगा uh, कितना सस्ता होगा? था, now 70, 000, वो बहुत ही ज्यादा हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है और साथ में ये भी अच्छा है कि जैसे उन्होंने कैंसर पेशेंट वगैरह की जो मेडिसिन वगैरह है वो उन्होंने कर दिए है कम कर दिया है तो ये तो अच्छी चीज है और जैसे उन्होंने वो जो प्रशिक्षण वाला है वो बहुत अच्छा कर दिया है कि लेडीज़ अपना कर सकती हैं और जो स्वरोजगार के लिए उन्होंने बजट बढ़ा दिया है वो ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि महंगाई में इतना छोटे बजट में हो नहीं पाता कि हम कोई ऑक्यूपेशन खोलें कुछ भी बिजनेस वगैरह खोलें उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो वो अमाउंट अब हम डायरेक्टली ले पाएंगे अच्छे से ज़्यादा जितना भी चाहिए होगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मैं कुछ करना चाहूँगी इससे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मंत्रालय से ले हर जगह महिलाओं को जो ये मेरी माता बहन है मातृशक्ति खड़ी है इनको 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है मंत्रालय में मंत्री भी 50 प्रतिशत महिलाएँ हैं और बजट आज जो हमारी माननीय मंत्री जी ने दिया है वो भी महिला है। मगर महिलाओं की चिंता सही है पुरुष जाता है काम पे, अपनी सैलरी लेता है महिला के हाथ में दे देता है कि ये आपको घर चलाना है बहुत सारी चीज़ों को इन्हों के मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ ये आदमी को नहीं बता सकती बेटे को नहीं बता सकती तो पेट कैसे काटा जाता है वो महिला को पता है कि अपना पेट काट के दूसरों को कैसे पालना है तो इनकी जो समस्या है ये जायज़ है मगर बहुत सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट आप आज यहाँ लोधी कॉलोनी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं टैक्स सबसे पहले हमारी सैलरी से हर महीने काटा जाता है मैं भी पूर्व केंद्रीय कर्मचारी रहा हूँ मैंने अभी ड्रॉप कर दिए एच हमारी घर का जो किराया है वो हमसे सैलरी में पहले एडवांस में काट लिया जाता मगर वो फैसिलिटी हमारे को नहीं दी जाती है यहाँ पे यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं छोटी छोटी हैं मगर बहुत गंभीर हैं पानी भरा रहता है पानी का बिल है बिजली का बिल है बिजली बहुत महंगी हो गई है अभी आठ दस परसेंट और इंक्रीज़ कर दिया दिल्ली सरकार ने तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जिन बारीकियों को, को महिलाएं भी नहीं पकड़ पाती हैं तो बजट में सरकार से यही निवेदन है कि लोअर क्लास को तो बहुत सुविधाएं देते हैं जुग्गी की जगह मकान फ्री दे दिया बस में फ्री है हायर क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जो बिजनेस मैन मगर पिस्ता कहाँ है चक्की के दोनों पार्टों के बीच में घुन की तरह पिस्ता है मिडिल क्लास मिडिल क्लास के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए सबसे पहले तो आपका आज तक का जो आप आज तक हमारे घर तक पहुँचे दरवाजा तक उसके लिए आपके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और मोदी जी का जो आज आज आप लैब दिखा रहे हो ना तो ये जो 2014 से पहले कहीं आपकी लैब जो आज पार्लियामेंट का जो बजट ये लोग बजट के बारे में बोल रहे हैं आज पार्लियामेंट का जो बजट दिखाया जाता है ये आप लाभ आज मीडिया घर घर तक आ रहा है तो इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप कहीं भी देखें मैं कन्नौर प्लेस भी जाता हूँ मीडिया पर भारी वहाँ पर खड़े रहते हैं हर आदमी से व्यू जानते हैं और बजट मेरे मैंने तो बजट देखा नहीं मेरे हिसाब से दो से जो कार्य और है वो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है ऐसा प्रधानमंत्री ना देश को मिलेगा ना कभी ऐसा प्रधानमंत्री आ सकता है जैसे इन लोगों ने बोला मैडम ने बोला पकौड़े तलने में मैडम ने पकौड़े पर बात की है ना ये पकौड़े तलने की बात कहाँ से ये कांग्रेस ने मजाक उठाया पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है आज आप देखो बिहार में एक लड़की थी ना ग्रेजुएसन कर रखा उसने उसने अपना चाय का स्टॉल लगाया मेरा मेरे हॉबी है ना मैं क्वालिफाइड हूँ ग्रेजुएसन है मैंने मैं होटल खोलना चाहता हूँ मैं चाय का स्टॉल लगाना चाहता हूँ जैसा मैडम ने पकौड़े तलने पे बात की ये कांग्रेस ने मजाक उठाया आज मोदी सरकार क्या करी बच्चों को आगे प्रस्ताव करी नौकरी करना जरूरी नहीं है आप ऐसा रोजगार करो जो आप दस आदमी को रोजगार दो Yeah. इसी के मुद्रा, मुद्रा... के बारे हाँ। में बात किया आपने दस लाख हुआ अभी बीस लाख मिल रहा है मुद्रा लोन बीस लाख कोई दुख... कोई अपने घर से एक लाख रुपए उठा के निकाले कोई सरकारी कर्मचारी एक लाख रुपए जोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है और महंगाई पे बात करी जहाँ मैंने भारत सरकार की सर्विस किया इकतीस इकतालीस साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री के साथ रहा रक्षा राज्य मंत्री भट्ट के साथ रहा और ढाई सौ आई एस अफसरों के साथ मैंने नौकरी की नौकरी का जो अभी बता रहे हमारे साहब ने बोला था कुछ देर पहले मजाक में किया था नौकरी भारत सरकार में आज जो मैं एटी थ्री में दो सौ पच्चीस रुपये तनख्वाह ले रहा था आज जब मैं रिटायर हुआ मेरी एक लाख दस हज़ार रुपये सैली बनी तो तनख्वाह क्यों महंगाई कहाँ है पहले बताओ आज एक जो लेबर मैं पहले जो अभी लेबर को बुलाऊंगा दो ढाई सौ पचास रुपये में आता था आज लेबर की दिहाड़ी होगी हज़ार रुपया तो दादा महंगाई भी तो होगी होगी महंगाई नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा राजस्थान का भ्रमण का करके कर कर आ गए उत्तराखंड देहरादून का भ्रमण करके देहरादून जाने में दस घंटे लगते थे आज देहरादून में चार घंटे लगते इतने फ्लेवर बन रहे इतना उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा देश में विकास होगा तभी तो देश का पैसा जो है आगे बढ़ेगा और जो मोदी सरकार का मुझे तो लग रहा है मोदी ऐसी सरकार कभी आ नहीं सकती है जो करप्शन हो रहा है जैसे बच्चों का पेपर लीक हो रहा है पेपर लीक आज से थोड़ी हो रहा है जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है जितने माफे आए ये सब इन्हीं पार्टियों के हैं इसमें सुधार पहले से बचपन से सुधार होता ना सत्तर साल राज किया कांग्रेस ने इस देश में सत्तर साल में क्या किया आप युवा हैं युवा के तौर पर आप इस बजट को कैसे देखते हैं मैं इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं क्योंकि अग्निवीर जैसी योजनाएं आई हैं और मैं तो चाहता हूं कि सरकार को ये योजना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि ट्वेल्थ के बाद सबके लिए कंपलसरी हो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो कि भाई आपको सरकारी संस्थाओं में काम करना है देश के लिए सेवाएँ देनी है जो कहा जाता है हर जगह कि भाई युवा अनुशासन तोड़ रहे हैं अनुशासन तो तब तोड़ेंगे जब उन्हें पता हो अनुशासन में रहना कैसे है जब अग्निवीर जैसी योजनाओं से वापस आप आओगे तीन साल या पाँच साल की नौकरी करने के पश्चात आपके पास दस लाख बीस लाख रुपए का फंड होगा कोई दस साल की नौकरी में दस लाख रुपए का फंड जोड़कर दिखाए वहाँ सरकार कह रही है कि आपको इसमें ग्रेजुएशन भी इंक्लूड किया जाएगा आप ग्रेजुएट भी हो गए दस साल आपने नौकरी भी कर ली आपने अनुशासन भी सीख लिया और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी ट्रेनिंग कैंप में जाइए प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कितना सरकार का पैसा खर्च होता है चाहे वो सी के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा हो अल्टीमेटली पैसा तो टैक्स पेयर का ही जा रहा है जो लोग टैक्स दे रहे हैं कम से कम उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको अनुशासन सीखने को मिलता है आपको पता है कि कैसे समाज के साथ बिहेव करना है कैसे रहना है और सबसे बड़ी बात हर घर में एक योद्धा तैयार हो जाता है चाहे वो पुरुष हो या महिला हो हर एक अपने आप में योद्धा बनकर तैयार हो जाता है